enjoy karne wali hai pura ambiance yahan pe. So I'm like having so much fun already because my best friend is here and Palash is here, of course, and thanks to Sandy for having me. And I think it's gonna be a great club. Yeah, club kisko nahi pasand. Sab club hi vibe mein aaye yahan pe aaj sab I think party karenge. And I'm so excited for the night out tonight. And anyway, it's a Saturday night, and I love all this. Come na, I'll make you meet my friends. Come. Yeah. Come, come. So he actually came all the way from Bangalore to come with me to the event. So, thank you guys. Anything else? Yeah. So I'm to a vegetarian. So I to love veg food, and I love wherever I can have my cuisines of veg and different style of dishes, and I love trying out veg food anyways. So I'm so happy about it. आप कितना foodie हैं? मैं तो बहुत foodie हूँ यार. मुझे मतलब बहुत workout करना पड़ता है उस चक्कर में. बहुत foodie हूँ. I like a hogger. Like I love to eat food. Thank you so much. Sure. पार्टी मूड में आया हूँ. वैसे पहले तो नमस्कार कहिए, क्या सुनेंगे आप लोग. नमस्कार टू एवरीबॉडी. थैंक यू सो मच शादा भाई एंड खालिद भाई फॉर इनवाइटिंग मी, एंड ऑफ कोर्स सैंडी फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस पर्टिकुलर इवेंट. मैं बहुत ही खुश हूँ. आई हैव ड्रेस फॉर द ओकेजन, क्योंकि ओकेजन के हिसाब से ड्रेस करना मेरी खासियत है. और ये है मूसा होटल्स का इनॉग्रेशन. सो आई विश सक्सेस टू द ओनर्स ऑफ द होटल, एंड मे दे कीप सक्सीडिंग एंड रोरिंग एंड स्केलिंग ग्रेटर हाइट्स. बहुत ज़्यादा. मैं तो अपने आप को भुक्कड़ बंगाली कहता हूँ, बिकॉज जहाँ बंगाली हो वहाँ पे खाने की जिक्र होती है. हम बंगालियों में एक कहावत है, यू नो वी हैव दिस सेइंग दैट अगर जेब में 100 रुपये भी हो तो माछ भात खा के ही मरना, मतलब मच्छी राइस खा के ही मरना. तो मैं उस पर बहुत ही अमल रहता हूँ. मतलब मैं खाना भी खुद अच्छा बना लेता हूँ, और मुझे खाना भी अच्छा है. इनफैक्ट मैं अभी वेट कर रहा हूँ कि भाई स्टार्टर्स में क्या होगा. ऑलरेडी प्री प्लान करके आया हूँ. मैं अपना पेट वेट सब खाली करके आया हूँ ताकि अरे तो ये तो नहीं ये क्या हो गया. चलो खैर कोई बात नहीं है. वेज में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस होंगे आई एम श्योर. तो लुकिंग फॉरवर्ड टू यू नो अटेंडिंग द इवेंट एंड विशिंग ग्रेट सक्सेस टू द एंटायर फैमिली ऑफ द होटल्स एंड एसके रिसॉर्ट्स for this lovely event, and I'm waiting to get inside and hog and toot pado. सर एक होटल क्या मायने रखता है काम आदमी की लाइफ में? होटल लोग कैसा सोचता है इससे कि एक महीने में कि ऐसा निकालता है कि हम होटल जाएं? करेक्ट. होटल से क्या आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको जाने के बाद यहाँ आइए मिले या कुछ आपका अनुभव शेयर कीजिए जो कि आपको बेस्ट सर्विस मिलती है? हाँ अनुभव तो ये है मेरा, चूँकि मैं 50 साल का हूँ और मेरे ज़माने में, मैं 1970s और 80s की बात करता हूँ. 1970s और 80s में क्या होता था, यू नो वी हमारे लिए होटल जाना मतलब एक पिकनिक वाली बात होती थी. मतलब हम शायद 6 महीने में एक बार होटल जाते थे. मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ. और आजकल इन टुडेज़ डे एंड एज होटल जाना, फूड कोर्ट्स जाना एक आम बात हो गई है, क्योंकि सैटरडे संडे जैसा हुआ नहीं फैमिली निकल पड़ते होटल जाने के लिए. तो आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ रेगुलर अफेयर. इट्स नॉट अ, जैसे हमारे ज़माने में एक इवेंट हुआ करता था. मतलब फादर मदर बोलते थे कि चलो अगर पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लाओगे तो हम होटल में जाएंगे खाना खाने. तो ऐसा एक इवेंट बनता था. पर अभी आई थिंक आम बात है. तो आजकल रोज़ आपको आजकल ऐप्स भी मिलते हैं, तो ऐप्स के थ्रू आप बुकिंग भी कर सकते हो. आप जो भी आपको फूड ऑर्डर करना है आप कर सकते हो. बट होटल इज़ आई थिंक अ ग्रेट वे ऑफ मीटिंग पीपल टुगेदर. आप फ्रेंड्स को बुला सकते हो, फैमिली को बुला सकते हो, इकट्ठे आप एक दूसरे को मिलके, यू नो इट्स लाइक अ नाइस मीटिंग प्लेस. फूड तो है ही है. करेक्ट. तो आई थिंक इतना शानदार जो होटल बनाया इन्होंने, इसके रिसोर्ट्स जो है, क्योंकि मैं 6 साल पहले यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका हूँ. मेरे एक फ्रेंड की बेटी की शादी थी, और यहाँ पे बहुत सारे अलग क्विजींस के होटल्स हैं. मैं जब एंटर कर रहा था तो देर वॉज मेनी इंटरेस्टिंग लाइन ऑफ रेस्टोरेंट्स, एंड दोज वर यू नो वेरी एक्साइटिंग फॉर पीपल. मतलब एक ही जगह पे आपने इतने सारे अलग क्विजींस के होटल्स ओपन किए हैं. आई थिंक इट्स रिमार्केबल, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ईटिंग ऑल द क्विजीन एंड ट्राइंग ऑल द रेस्टोरेंट्स हियर. होपफुली इफ दे कॉल मी फॉर द नेक्स्ट इवेंट. आखिरी सवाल, लोग कहते हैं औरतों से उम्र नहीं पूछी जाती, लेकिन लोग ये भी नहीं कहते कि मर्दों को अपनी उम्र बतानी चाहिए. मैं इसलिए उम्र बता, हाँ मैंने इसलिए बताया क्योंकि क्या होता है, लोगों को लगता है कि मैं शायद
35 40 साल के आसपास हूँ, पर चूंकि मेरे पेरेंट्स ने कहा है कि बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, और जो मैंने अभी तक बरकरार रखा है, जो मेरे से 5 साल उम्र में भी बड़े, उनको मैं जी कह के बुलाता हूँ या सर या तो मैडम कह के बुलाता हूँ मैं, तो मैं यही जो आजकल की जो जनरेशन है, जो आपको बड़ी बुलाते हैं, यार बुलाते हैं, ब्रो बुलाते हैं, भाई बुलाते हैं, डूड बुलाते हैं, इसको मैं कट डाउन करना चाहता हूँ। इसलिए मैं हमेशा छाप छाप के बोलता हूँ, ज़ोर ज़ोर से बोलता हूँ कि भाई मैं 50 साल का हूँ, दिखता नहीं हूँ पर मैं सोचता हूँ एक बूढ़े की तरह, दिखता नहीं हूँ क्योंकि मैं योगा करता हूँ, पिछले 20 सालों से योगा कर रहा हूँ, फिट हूँ, मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ, स्मोक नहीं करता हूँ। तो मेरे लिए जो रिस्पेक्ट जो है ना, क्योंकि आप क्या होते हैं, हम उम्र के साथ आप हम उम्र जैसे बिहेव कर सकते हो, पर एक बंदिश भी होनी चाहिए, एक दरार होनी चाहिए, एक जो एज गैप जो है, जनरेशन गैप है, बिकॉज वो कहीं ना कहीं मर रहा है, तो उसको बरकरार रखने के लिए मैं हमेशा अपना एज पे एम्फसाइज करता हूँ। और क्या है, एज इज़ नॉट अ नंबर, यू नो, मेंटली अगर आप यंग हो, इमोशनली यंग हो, तो एवरीथिंग इज़ फाइन, एंड आई डोंट लुक 50, आई गेस सो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे पहला प्रेफरेंस मेरा फूड रहता है, लाइक एम्बियंस बहुत अच्छा होना चाहिए एंड फूड मस्ट बी वेरी क्लासी एंड जो आपको बहुत ही ज़्यादा यू नो अट्रैक्ट करे, डिलीशियस होनी चाहिए खाना, आई बिकॉज आई एम वेरी फूडी, तो खाना मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है। मैं अभी जस्ट आई हूँ, बट मुझे इनके रिव्यूज़ पहले से ही मतलब मिल रहे हैं और सब लोग बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा है, एंड आज हालांकि आज ओपनिंग है और सबके साइड से बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है और सब बहुत ही यू नो अप्रिशिएट कर रहे हैं और अच्छा रिस्पांस आ रहा है, एंड दैट्स ग्रेट, थैंक यू। आप लोग कह सकते हैं 10-20 टाइम्स कह सकते हैं हम लोग अभी होटल में, नहीं इट्स गोना बी द फर्स्ट टाइम। हाँ टू मच, आई एम क्रेजी फॉर इट, लगता नहीं होगा कि मैं इतना खाती हूँ, बिल्कुल नहीं लगता। होटल कैसा चाहिए, सी डिपेंड्स कि कैसा क्या है, फिर कभी कोई चाइनीज हो जाता है, लाइक आई मीन टू एवरीथिंग, आई लाइक टू ट्राई फूड, बट माय फेवरेट फूड इज पाव भाजी, इंडियन ज़्यादा अच्छा लगता है। वेज प्योर गुजराती, गुजराती अभी मैं, मेरा एक मूवी आ रहा है युद्र, ऋतुराज चतुर्वेदी, ज़रूर अभी थोड़े टाइम में रिलीज़ हो जाएगा, एंड मैंने विक्रम वेदा करा है विद ऋतिक रोशन एंड सैफ अली खान, वो ऑलरेडी रिलीज़ हो गया और ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में अब मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती। थैंक यू। देखिए यहाँ पर तो इस एरिया में बहुत सारे लाउंज क्लब्स हैं, पर जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि थोड़ा सा डिफरेंट होगा इसका साउंड भी और म्यूज़िक भी, लोग इसको पसंद करेंगे। देखो प्रोजेक्ट्स के बारे में तो आप हमेशा मुझे कहीं ना कहीं मिलते ही रहते हैं, और प्रोजेक्ट्स मेरे ये हैं कि जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताए थे कि एक सुन सोने हो मेरा गाना आ रहा है डीजे, सॉरी सुबह राजपूत के पास, सुन सोने हो सॉन्ग आ रहा है सुबह राजपूत के साथ, उसको शूट किया है मनु शर्मा ने जो इस गाने के डायरेक्टर हैं, वो भी आने वाले हैं अभी यहाँ पर इस इवेंट में। और दूसरा गाना डीजे हार्दिक के साथ आ रहा है, डीजे हार्दिक जो इंडिया के सबसे यंगेस्ट डीजे हैं, सबसे पॉपुलर हैं, उनके साथ आ रहा है, और बाकी और भी कई सारे गाने आ रहे हैं, और आप सबकी दुआ से 700 शोज़ मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू। यहाँ पर क्या नाम है, आज हर्षदी परफॉर्म कर रहा है, और डीजे राज मेरे भाई जैसे हैं, मेरे सीनियर हैं, ही इज़ अमेजिंग परफॉर्मर, तो आर्टिस्ट, तो उनके लिए भी मैं आया हूँ यहाँ पर, इसकी ओपनिंग पे भी उसका शुक्रिया अदा करूँगा, विजय भाई का,
तो विजय जो है के ओनर भी है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, और आप सब भी है तो आपका तहे दिल से शुक्रिया, आप तो हम सब को मुझे हमेशा मिलते ही रहते बहुत। लोगों के लिए तो मैं गाता ही रहता हूँ, सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, साडा कल्या जी नहीं लगना, साडा कल्या जी नहीं लगना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। थैंक यू सो मच। तो गाइज एक चीज़ और अनाउंस करनी है मुझे कि ये संडे मतलब टुमारो कल क्या तारीख है, 8 तारीख 8 अक्टूबर मैं परफॉर्म करने जा रहा हूँ अपने अंधेरी के और मुंबई के सबसे बेस्ट सबसे बड़े क्लब में एमेथिस्ट में, और इस बार मैं कुछ डिफरेंट करने वाला हूँ वहाँ पर, कुछ सूफ़ी सॉन्ग और सूफ़ी और बॉलीवुड मिक्स करके। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब और जो इस वीडियोज़ को देखेंगे और आप सबसे भी गुजारिश है कि सब वहाँ पर मेरे साथ इंजॉय करें। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।